हमारे जो गुप्ता जी है जो पान की टपरी पे खड़े होकर के पान थूके बोलते हैं, अरे क्या है बिटकॉइन विटकॉइन वगैरह सब बकवास है, तुम्हारा बिटकॉइन का उमना तुम्हें लूट कर ले जाएगा। अगर कोई ऐसा बोलता है गुप्ता जी तो मतलब सही होगा ना। क्रिप्टो करेंसी स्कैम, क्या ये बिटकॉइन जीरो हो जाएगा? यार क्या हुआ ना, मैं दिल्ली से दुबई ट्रैवल कर रहा था एंड इट वॉज एन इंटरनेशनल फ्लाइट, इट वॉज नॉट लाइक कि रायपुर से इंदौर टीयर टू सिटी में ट्रैवल कर रहा हूँ। तो जब आप एक इंटरनेशनल फ्लाइट लेते हैं, प्रीमियम इकोनॉमी की फ्लाइट थी, मतलब मैंने सीट ली हुई थी, तो मेरे बगल में जो बंदा बैठा था डेफिनेटली ही वॉज समवन डूइंग अ गुड जॉब और अ गुड बिजनेस, आई बिलीव ही वॉज वर्किंग इन एक्सेंचर कंपनी एंड प्लानिंग हिज ओन बिजनेस। उसने मेरे को जब देखा मैं क्या करता हूँ, मेरी बात हुई उससे कि क्या सीन है भाई क्रिप्टो करेंसी का, पता है उसका रिएक्शन क्या था? हाँ ये तो जीरो हो जाएगा, ये तो हवा है, इसके तो फंडामेंटल जीरो है, ये तो पक्का जीरो हो जाएगा। आई मीन ही वॉज सो मच कॉन्फिडेंट कि बिटकॉइन जीरो हो जाएगा, जबकि उसको मैंने पूछा तो क्या पता आपको उनके फंडामेंटल के बारे में, तो कहता उनके तो कोई फंडामेंटल ही नहीं होते। अ गाय हु इज टोटली अनएजुकेटेड इन द क्रिप्टो यूनिवर्स इज क्लेमिंग दैट इट विल बिकम जीरो, लुक एट द कॉन्फिडेंस नाउ। यार लेकिन एक बात तो सही है ना, हमारे जो गुप्ता जी हैं जो पान की टपरी पे खड़े होकर के पान थूके बोलते हैं, अरे क्या है बिटकॉइन विटकॉइन वगैरह सब बकवास है, तुम्हारा बिटकॉइन का उमना तुम्हें लूट कर ले जाएगा। अगर कोई ऐसा बोलता है गुप्ता जी तो मतलब सही होगा ना। हाँ लेकिन ये जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाले ये बेवकूफ होंगे क्यों? इंट्रोडक्शन टू ब्लॉकचेन एंड बिटकॉइन डीपन इन नॉलेज ऑफ बिटकॉइन, ये शायद बेवकूफ होंगे नहीं, लेकिन अपने मिश्रा जी जो सिगरेट की टपरी में खड़े होके चाय और सुट्टा लगाते हुए कहते हैं कि ये सब कुछ भी नहीं होता, ये हवा है, हवा हवा है, हवा हवा का पैसा है, चला जाएगा एक दिन, शायद वो सही होंगे। लेकिन यार यहां ना ये ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी वाले शायद बेवकूफ होंगे ना। ऑक्सफर्ड ब्लॉकचेन स्ट्रेटजी प्रोग्राम ड्राइव इनोवेशन विद क्रिप्टोकरेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, अरे कम से कम अपनी कंट्री के आईआईटी के बारे में मालूम है आपने, ये पढ़े देखा आपने, ये देखो आईआईटी कानपुर प्रोफेशनल सर्टिफिकेट प्रोग्राम ब्लॉकचेन बाय आईआईटी कानपुर इन डिमांड कंसेप्ट बिटकॉइन इथेरियम एंड मोर, क्या ये बेवकूफ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी? मैं ये कहना चाहता हूं माय फ्रेंड्स कि हम लोग ऐसे ही पता नहीं कितने सारे मिश्रा जी, पांडे जी, गुप्ता जी, पप्पू भैया, ये भैया वो भैया के चक्कर में, जो पिछले मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरे को, 4 सालों से बोल रहे हैं जीरो हो जाएगा, आज उनके पास जीरो बीटीसी, मैं कहीं आ गया हूं। तो अगर आपकी सिचुएशन है तो मैं आपको बोलना चाहूंगा, बींग ऑनेस्ट लिखा है पहले, बींग ऑनेस्ट, डू यू थिंक क्रिप्टो करेंसी इज अ स्कैम? 46% लोगों को लगता है, लगभग 50% लोगों को, 12,000 लोगों को स्कैम है। तो देखो अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो तो ये वीडियो जरूर देख लो, आज भी उतना लेट नहीं हुआ है, 2032 में भी आज से 10 साल बाद नया क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करेगा इस यूनिवर्स में। लेकिन आज बाद में फिर ये नहीं बोलना कि सब्सक्राइबर तो थे बूमिंग बुल्स के लेकिन नॉलेज नहीं थी। तो चलो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस, एक क्विक वीडियो है क्रिप्टो करेंसी के बारे में कि क्यों क्रिप्टो करेंसी आगे जाएगी, जीरो नहीं होगी, चाहे कितना भी कुछ कर लो आप लोग या हम लोग, हमारे बोलने से कुछ भी नहीं होता। अगर किसी के बोलने से कुछ होता है तो वो होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बोलने से। तो आओ मैं आपको अपने लैपटॉप पे लेके चलता हूं और सबसे पहले आपको ये दिखाता हूं। देखो सबसे पहले देखो बैंक ऑफ अमेरिका, देखो जिनकी फोटो है यहां पे, जिस बंदे की, ही इज लाइक वन ऑफ माय, आई फॉलो हिम फॉर क्रिप्टो करेंसी, हिज चैनल नेम इज कॉइन ब्यूरो, आई सजेस्ट यू कैन सब्सक्राइब हिम एज वेल, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। चलो स्टार्ट करते हैं। बैंक ऑफ अमेरिका एनालिस्ट कहता है बिटकॉइन खरीदना एक साठ कार की तरह, स्लैम्स बिटकॉइन, बेइज्जती कर रहा बैंक ऑफ अमेरिका। फिर से बैंक ऑफ अमेरिका कहता है बिटकॉइन बुल रन इज द मदर ऑफ ऑल बबल्स, मुंह पे कह रहा है, देखो जो पांडे जी मिश्रा जी कह रहे हैं, कब की बात है भाई, 2021 की बात है, वो भी जनवरी की। अच्छा लेकिन जैसे ही रैंक नंबर 2 है बैंक ऑफ अमेरिका, जेपी मॉर्गन चेस बैंक नंबर 1 है, जैसे चेस बैंक ने कहता है जेपी मॉर्गन इज प्रिपेयरिंग टू ऑफर बिटकॉइन फंड टू वेल्दी क्लाइंट्स, क्या हुआ? जेपी मॉर्गन कहता है इथेरियम बेटर है बिटकॉइन से क्योंकि डीफाई एनएफटी में बूम आ रहा है, इस वीडियो के थोड़ी देर में बात करेंगे इस बारे में। जेपी मॉर्गन कहता है इथेरियम अपनी वैल्यू डिराइव कर रहा है यूज से, यूसेज से, हाइप से नहीं, मार्केटिंग से, उसके वर्थ से। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लोड अप इथेरियम विद इट्स शेयर ऑफ एयूएम हिटिंग अ न्यू रिकॉर्ड, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, रिकॉर्ड तोड़ पैसा मिल रहा है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर प्रिफर ईथर ओवर बिटकॉइन, जेपी मॉर्गन कहता है, जेपी मॉर्गन कहता है बिटकॉइन ज्यादा अच्छी चीज है। चलो ठीक है, क्या था ये, क्या दिखाया मैंने आपको, ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कह रहे हैं। अच्छा ये सब सुनते ही क्या हुआ, देखो अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप क्या आता है, बैंक ऑफ अमेरिका रिपोर्टेडली एस्टैब्लिश क्रिप्टो रिसर्च टीम, ये कब की बात है,
जुलाई, 6 महीने में बैंक ऑफ अमेरिका का मूड बदल गया। 6 महीने में बैंक ऑफ अमेरिका कॉइन बेस के साथ वेंचर बनाता है, इन्वेस्ट करता है 300 मिलियन, 1 मिलियन डॉलर 7.5 करोड़ होता है, 300 मिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट इन पैक्सोस। पैक्सोस एक कंपनी है जो यूएसडीसी नाम का स्टेबल कॉइन बनाती है, पैक्सोस गोल्ड भी बनाती है, क्रिप्टो गोल्ड होता है वो। बैंक ऑफ अमेरिका पार्टनर्स विद पैक्सोस टू विल अलाउ सेम डे ट्रेड सेटलमेंट्स। क्या है ये, कैसे कैसे चेंज आए? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स डोमिनेट ने डीफाई यूनिवर्स को डोमिनेट किया है। क्या है ये सब, इतना जल्दी चेंज क्यों आ गया? बैंक ऑफ अमेरिका की वेबसाइट है, ये BOFA सिक्योरिटीज दिख रहा है आप लोगों को, ऑफिशियल वेबसाइट है, लिखा हुआ है डिजिटल एसेट सेक्टर टू लार्ज टू इग्नोर, नॉट जस्ट बिटकॉइन सो मच मोर। क्या दिखाया मैंने आपको? मैंने दिखाया ये जो दुनिया भर की बात है। मैं भी कोई ज्ञानी इंसान नहीं हूं, मैं खुद एक इन्वेस्टर हूं और एक यूट्यूबर हूं छोटा सा जो इंफॉर्मेशनल वीडियोस बनाता है। लेकिन ये बैंक ऑफ अमेरिका, जेपी मॉर्गन, वहां पे देयर इज समवन कंट्री जिसने एल सेल्वाडोर जहां के प्रेसिडेंट ने चूज कर लिया, बिटकॉइन सिटी बना रहे हैं वहां पे। क्या क्या हो रहा है आपको मालूम है? नहीं मालूम है आपको, लेकिन क्योंकि आपको लगता है, जैसे मेरे बगल में बैठे पैसेंजर को लगता था वो तो जीरो हो जाएगा क्योंकि आपको लगता है और आप इस मौके को छोड़ रहे। तो आज मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले मैंने आपको क्या दिखाया अबाउट द फंडामेंटल्स, कि कितने सारे इन्वेस्टर्स पे लोडअप हो चुके हैं। अब मैं आपको फटाफट ना छोटी सी कहानी बता रहा हूं। कहानी बताने का ये काम नहीं है कि मैं पूरा का पूरा आपको क्रिप्टो करेंसी समझाने लगूं, बट स्टिल कोशिश करता हूं। देखो, सबसे पहली करेंसी आई बिटकॉइन। बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी थी, इसका काम था सिर्फ बैंक्स को हटाना। देखो सिंपल है यार, गूगल पे कर सकते हैं ना, क्यों बैंक हटाना? मेरे को पैसा भेजना है आपको, आप मुझे गूगल पे कर दो, आपको भेजना गूगल पे दो। लेकिन अगर मैं दुबई में रहता हूं, इंडियन बैंक अकाउंट नहीं भेज सकते, तो गूगल पे से नहीं, आपको तब बैंक का सहारा लेना पड़ेगा। बैंक जाओगे, फॉर्म भरोगे, भेजोगे, वो 4 सवाल पूछेंगे, बड़ी फीस लगती है, टैक्स कटता है, उसके बाद जाके पैसा यहां पे 2 से 3 दिन बाद आता है, यहां भी फीस कट जाती, तब जाके मैं ATM से निकालता हूं, यहां फिर चार्ज लग जाता है मेरे को, इतना खर्चा हो गया। लेकिन अगर एक इंटरनेशनल गूगल पे होता तो वही काम बिटकॉइन ने कर दिया। ये कोई बता नहीं पाता आसान शब्दों में, इंटरनेशनल गूगल पे, इंटरनेशनल पेटीएम है, इंटरनेशनल पेटीएम है बिटकॉइन। तो जैसे ही ये बिटकॉइन इंटरनेशनल पेटीएम जैसी क्वालिटी, जैसा एक प्रोडक्ट आया पब्लिक के सामने, इन्होंने क्या किया, ब्लॉकचेन नाम की टेक्नोलॉजी यूज कर डाली। ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ध्यान से सुनना, ब्लॉकचेन नाम की टेक्नोलॉजी यूज कर डाली जो बाद में बहुत कुछ होने वाला है। तो क्या बिटकॉइन बना ब्लॉक, लेकिन ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऐसी, पेटीएम का एक ओनर है जिसने अपना सारा डेटा ना पेटीएम के ऑफिस के अंदर जो बिल्डिंग है उसके कंप्यूटर में भर रखी है, जिसे सर्वर कहते हैं, सारा डेटा उनके पास है, सारा पावर उनके पास है। ब्लॉकचेन एक पब्लिक लेजर है, पब्लिक डायरी है मान के चलिए, जिसमें आप और मैं भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होता है और हम लोग उसको माइनर बन के हम जाकर के हम भी उसको रेगुलेट कर सकते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करके बिटकॉइन का जो ट्रांजैक्शन लेजर रखा पब्लिक कर दिया, मतलब वो एक कंप्यूटर से नहीं चलता मुंबई की बिल्डिंग से, ना वो कोई इंडियन चलाता है, ना कोई चाइनीज, ना कोई अमेरिकन, ना कोई जर्मन, ना कोई फ्रेंच, कोई बंदा एक नहीं चलाता ऑस्ट्रेलियन, सब लोगों के, आपके मेरे जैसे नॉर्मल कंप्यूटर्स, मतलब इससे बेटर होते हैं, थोड़े से हाई एंड कंप्यूटर्स होते हैं माइनर्स के, हम सब जैसे नॉर्मल लोगों के, कोई ग्रुप नहीं है, चाइनीज भी है, जर्मन भी है, पॉलिश भी है, इंडियन भी है, पाकिस्तानी भी है, अरेबियन भी है, यूएई का अमराती भी है, सारे के सारे लोग मिल करके ब्लॉकचेन रन करते हैं। तो देखो, ये तो गई शुरुआत बिटकॉइन से, क्रिप्टो करेंसी की। उसके बाद आता है सबका बाप, इथेरियम। क्यों बोला सबका बाप बोल दिया? आज आप जिस भी कॉइन का नाम सुनते हो ना फेमस, या तो ना वो इथेरियम का कॉम्पिटिटर होता है, या इथेरियम के बेस पे बना करेंसी होता है जिसे ERC-20 कहते हैं। जाओ पता कर लो, सारे के सारे या तो इसके राइवल है, ये तो नंबर 2 पे है ही, इसके राइवल ही इसके ऊपर है, या फिर इसके बेस पे बनी चीज है ERC-20 टोकन्स। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, इथेरियम ने कुछ स्मार्ट कर दिया। इथेरियम ने बोला मैं करेंसी वरेंसी नहीं बना रहा, ईथर करेंसी है जो इथेरियम पे चलती है, पैसे भी कमाते हैं, बट ध्यान से सुनना, इथेरियम ने एक बेस बनाया। जैसे आज ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आईफोन से, आईफोन के ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है iOS है, आपके मोबाइल अगर एंड्रॉइड है तो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इन्होंने अपने आप को ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा बना लिया, इन्होंने बोला कि आप आओ, मैं स्मार्ट ऐप, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज द एग्जैक्ट वर्ड, मतलब मेरा वही था, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इनेबल कर दिया, मतलब इसने कैपेसिटी बना दी कि इसके ऊपर बना के आप सॉफ्टवेयर बना सकते हो, सॉफ्टवेयर रन कर सकते हो। तो लोग आए और ओपन सोर्स कर दिया। सेम इसका भी ना नेटवर्क, इसका भी जो सर्वर एक जगह पे नहीं है, जो इथेरियम का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेगा, आपको नाम बता के फायदा नहीं, आप टेक्नोलॉजी उतना टेक्निकल नहीं हो, जो इथेरियम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगा वो बंदा इसको मेंटेन कर सकता है, जस्ट लाइक बिटकॉइन। इनके बहुत इनका भी बहुत बड़ा नेटवर्क है, बिटकॉइन और इथेरियम का लगभग आसपास का ही नेटवर्क है। तो इथेरियम नेटवर्क बना, इथेरियम में जाने के बाद गाइस बनने लग गए एप्लीकेशंस, जैसे एप्लीकेशन फेसबुक एक एप्लीकेशन है, इंस्टाग्राम एक एप्लीकेशन है, राइट, टेंडर एक एप्लीकेशन है, जो भी यूट्यूब का एक एप्लीकेशन है, वैसे ही
डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन. देखो डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन समझ में नहीं आएगा, सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन समझो. जैसे कि यूट्यूब, जैसे कि फेसबुक, जैसे कि कुछ भी मान लो, उनको एक कंपनी. डिसेंट्रलाइज्ड मतलब का कोई ओनर नहीं है, लोगों ने आकर के डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन बनाना चालू किया. अब मैं क्या एग्जांपल दूं, ये एग्जांपल मेरे लैपटॉप पे आ जाओ, दिखा देता हूं. ऑडियस, ऑडियस एक वेबसाइट है जहां पे गाने, देखो मैं प्ले कर रहा हूं आपके सामने. मेरे लैपटॉप से बजाया, इसका बेस्ट क्वालिटी आउटपुट है. ये चीज की वेबसाइट पे प्रूवन लिखी हुई है, बेस्ट क्वालिटी आउटपुट ये वेबसाइट देती है. डिसेंट्रलाइज्ड वेबसाइट है, इसका मतलब इसमें अगर मैं कंटेंट क्रिएटर हूं, मैं इसमें डालता हूं यूट्यूब, मैं यूट्यूब पे वीडियोस डालता हूं, मेरी अर्निंग में से यूट्यूब 30-40% ले जाता है, फिर टैक्स अलग लगता है ना 30% के आसपास मेरे को. इसमें अगर मैं अपना कंटेंट डालू, वैसे मैं ऑडियो बनाता नहीं हूं, बट फ्यूचर में अगर ऐसे कोई वेबसाइट आता है जो वीडियो बनाने का प्लेटफॉर्म है, मैं बनाना चालू करूंगा. ना मेरे को टैक्स भरना, ना मेरे को कोई एक रुपए इस वेबसाइट को देना है. डिसेंट्रलाइज्ड एप्स का थोड़ा सा एक चीज होता है, मेरे को ऑडियो टोकन के थ्रू थोड़ी सी चीजें करनी पड़ती हैं, वो सिंपल है. तो एक एग्जांपल था डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन का. मेरे पास टाइम नहीं है ना आपके पास टाइम है इतना डिटेल में जाने का, मैं बताना के लिए ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि मैं बताऊं रियल फंडामेंटल्स क्या है. इसी से शुरुआत होती है एक वर्ड की, डीफाई, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस. बिफोर आई टेल यू व्हाट इज डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, लेट मी टेल यू व्हाट इज सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस. सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस इज व्हेन आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक अपने कस्टमर को लोन देता है, पैसा दे देता है, बोलता है ला भाई साल का 10%, 12%, 15% मुझे दे ब्याज का. फिर इसी पैसे से वो कमा रहा है, ठीक है, इस पैसे प्रॉफिट कमा रहा है. अच्छा ये पैसा दिया किसका, हाँ भाई तू आ जा तेरा पैसा दे दे, ये पकड़ 6% एफडी का. आ गया पैसा, इसको दे दिया 10%, 4% कमा लिया. इसको बोलते हैं एक एग्जांपल सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का. अब डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस क्या होता है, सब कुछ सेम लेकिन ऐसी जगह पैसा रहेगा जो किसी इंसान के मूड पे नहीं, किसी कंट्री के लॉ पे नहीं, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम पे रन करती जो टूट ही नहीं सकता. ये रूल है, कोड इज लॉ इन इथेरियम्स ब्लॉकचेन. तो उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस. इन शॉर्ट बताऊंगा, आप ऐसी जगहों पे आ सकते हैं वेबसाइट्स पे और वहां पे जाकर के अपना क्रिप्टो लॉक कर सकते हैं और लॉक करके अपना सीधे कैश ले सकते हैं या ब्याज कमा सकते हैं या तो फिर सीधे जाके लोन ले सकते हैं और ब्याज दे सकते हैं. तो इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस. अब मैं आपको यहां लाऊंगा और ये एक वेबसाइट है गाइज, defilama.com. इस पर क्लिक करूंगा, जब मैं defilama.com पे क्लिक करता हूं तो $231 billion, 7,500 करोड़, 1 billion होता है, लॉक्ड है सारे ब्लॉकचेन्स में. सिर्फ इथेरियम पे क्लिक करूंगा $145 billion. अच्छा एक बार देखें ये $145 लास्ट ईयर 2020 जनवरी में कितना था. देखो मेरा लैपटॉप देखो, $18 billion था. आज क्या तारीख है, आज मैं वीडियो बना रहा हूं 9 जनवरी, आई थिंक आज 8 या 9 जनवरी, $26 billion था पिछले साल, $25 billion. आज एक साल में ऐसा क्या हुआ है कि 120 बिलियन डॉलर, $120 billion की बात कर रहा हूं. लगभग टॉप रिच पर्सन जो थे इलॉन मस्क, जेफ बेजोस और उनकी टोटल वैल्यू के आसपास आ रहा है. क्या बढ़ गया एक साल में ऐसा. अच्छा एक चीज और दिखाता हूं, ये वेबसाइट है coinmarketcap.com, रैंक बता रही है बिटकॉइन वगैरह, बिटकॉइन 1, इथेरियम 2. एक बार इथेरियम का टोटल मार्केट कैप देखना इस वक्त 380 बिलियन में 145 तो यही लॉक्ड है डीफाई के अंदर. आपको यूज समझ में आ रहा है, यूज समझ में आ रहा है. ये सारा पैसा इंस्टीट्यूशंस वालों का है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का, जिसके ऊपर इंटरेस्ट कमा रहे हैं और इसको यूज कर रहे हैं. अच्छा मैंने दिखाया ग्राफ कैसा इंक्रीज हुआ. अब मैं आपको ना इथेरियम के ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके जा रहा हूं, इथर स्कैन पे लाता हूं मैं. तो इसके भी देखो दिखा रहे, एक मिनट पहले किसने लेटेस्ट ब्लॉक किया, थोड़ी देर पहले कितने इथेरियम का ट्रांजेक्शन हुआ, किसी ने एक इथेरियम भेजा, किसी ने 0.5 इथेरियम भेजा, दिखा रहा है. मैं ना रिसोर्स में आ रहा हूँ, मैं चार्ट्स एंड स्टैट्स पे आ रहा हूँ. इतना टेक्निकल आपको समझ भी नहीं आएगा, मैं सीधे इसलिए आपको ना यहाँ पे ला रहा हूँ. नेटवर्क डिफिकल्टी चार्ट मैं क्लिक कर रहा हूँ. नेटवर्क डिफिकल्टी चार्ट पे जैसे क्लिक करूंगा तो विथ टाइम देखेंगे इथेरियम जो डिफिकल्टी लेवल था 3000, ये डिफिकल्टी लेवल क्या है, कितना आपके जो हार्डवेयर है, कितना महंगा हार्डवेयर लगेगा माइन करने के लिए, ये इस डिफिकल्टी चार्ट पे मैटर करता है. जितनी हाई डिफिकल्टी उतना ज्यादा कॉस्ट लगता है माइन करने में, उतनी ज्यादा फीस लगने लगती है इथेरियम में. आप देखोगे कि बहुत नॉर्मल चल रहा था लेकिन 2020 जुलाई से क्या बूम आया भाई, दिख रहे हैं आप ग्राफ, ये इतना ऊपर आया. व्हाई, व्हाट इज दिस, दिस इज द बूम ऑफ डीफाई. डीफाई के बाद फिर ये ड्रॉप आता है, फिर आप देख रहे हो आज डिफिकल्टी लेवल जहां पे एक साल दो साल पहले 2000 था, आज जो डिफिकल्टी लेवल 11,000 हो चुका है बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ NFTs एंड मेटावर्स.
अब बोलोगे ये क्या है, वापस लाता हूं कॉन्सेप्ट पे. देयर इज समथिंग कॉल्ड मेटावर्स एंड एनएफटीज. एनएफटीज इज अ नॉन फंजिबल टोकन. अगर आप लोग चाहते हो एनएफटी और मेटावर्स पे इंडिविजुअल वीडियो बनाओ, जैसा कि आप मुझे देख रहे हो, ये मैं वीआर लगा के जो मैं चीजें कर रहा हूं, मैं अंदर क्या एक्सपीरियंस कर रहा हूं, मैं किससे बात कर रहा हूं, मैं यहां पे क्या क्या कर सकता हूं, इसके बेनिफिट्स क्या, इसके डेंजर क्या है, तो 15,000 लाइक्स आएंगे इस वीडियो पे. अगला वीडियो बनाऊंगा मेटावर्स के ऊपर, पूरा इंटरेक्शन करके दिखाऊंगा. डिपेंड करता है आप लोग को भी इंटरेस्ट है कहीं. तो वापस आते हैं टॉपिक पे. तो गाइस एनएफटी के बारे में मैं बेसिक्स बता देता हूं. नॉन फंजिबल टोकन यानी कि एक डिजिटल आर्ट. एक काम करो, मैं बताऊं आपको, बताता हूं, कोई भी जो मेरे मोबाइल में फोटो है ना, दैट कुड बी एनएफटी अगर मैं ब्लॉकचेन पे रजिस्टर कर दूं. कोई भी वीडियो, ये वीडियो मेरा एनएफटी हो सकता है अगर ये मैं ब्लॉकचेन पे रजिस्टर कर दूं और एक आदमी को दे दूं कि ये उसका ओनर है. कोई भी चीज एनएफटी हो सकती है जो डिजिटल हो. आप बोलेंगे क्या, मिलियंस ऑफ डॉलर्स में एक डिजिटल ग्राफिक्स बिक रहा है, आपको मालूम है? डिजिटल ग्राफिक्स, बंदर की फोटो, बोर्ड एप, यॉट क्लब, एक क्लब. अभी एमएनएम ने भी खरीदा, सब ने खरीदा, बहुत सारे सेलिब्रिटीज खरीद रहे. बेवकूफ है क्या? हायर, हमें तो लगता है हम इंडियंस को बेवकूफी है. लेकिन एक बात बताओ, कोई इंसान मोना लीजा की पेंटिंग अगर खरीदना चाहता है तो क्या वो बेवकूफ है? नहीं, अब वो तो नहीं. फिर तो कोई इंसान कोई बहुत फेमस पेंटर की एक पेंटिंग खरीद के अपने घर की दीवार में लगाना चाहता है, क्या वो बेवकूफ है? नहीं यार, उसका खुद का शौक होगा, अपने खुद के कमाए पैसे. तो हम यहाँ पे कैसे बेवकूफ बोल सकते हैं? यही एनएफटी एक रिच लोगों का ही टेस्ट है भाई, क्लियर है. हम लोग क्यों खरीदेंगे एनएफटी? हाँ, मे बी इन्वेस्टमेंट, स्मार्ट वर्क के लिए खरीद सकते हैं पैसा कमाने, बट शौक के लिए तो मैं नहीं खरीद रहा भाई ऐसी चीजें कि मेरे को चाहिए. बट एनएफटी समथिंग वेट पीपल आर बाइंग और ये फ्यूचर है. अब मेटावर्स क्या होता है, दूसरा टॉपिक. मेटावर्स इज जस्ट अ यूनिवर्स, एन ऑनलाइन यूनिवर्स, जस्ट लाइक पबजी, वेयर यू आर कमिंग एंड यू आर टॉकिंग टू ईच अदर. जैसे कि मैं लगाता हूं हेडसेट, लगाऊं या 2D डिसेंटरलैंड के अंदर जाऊं. डिसेंटरलैंड में 2D जा सकता हूं लैपटॉप के थ्रू, वीआर लगा के मल्टीवर्स में जा सकता हूं, बहुत सारे मेटावर्स है. वहां जाकर के मैं देख रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ. वेयर आर यू फ्रॉम यूर? ओके, आई एम फ्रॉम यूएस. एंड ओके, व्हाट आर यू डूइंग इन योर लाइफ? वी आर टॉकिंग. मतलब मैं उतार रहा हूं तो कोई भी नहीं है, पहन रहा हूं तो पूरी दुनिया है मेरे से लोग बात. इट इज क्रेजी, सीरियसली बोल रहा हूं. अगर वीडियो चाहते हो, 15,000 लाइक आएंगे इस वीडियो पे, शेयर करना पड़ेगा, तो मैं वो वीडियो भी बनाऊंगा. तो मेटावर्स इज, अब देखो ये सब कुछ कहां हो रहा है, डिसेंटरलैंड नाम की एक जगह है. जैसे मान लेते हैं वो ERC20 टोकन है, माना कॉइन, मैंने हेविली इन्वेस्ट किया उसमें भी, मैं दिखाऊंगा आपको अभी. तो यार क्या चीज है, देख रहे हो डिसेंटरलैंड. अच्छा, डिसेंटरलैंड के बारे में बताऊं, अभी 3 दिन पहले सैमसंग ने लैंड तो पहले से खरीद रखा था, बिल्डिंग बना ली. सैमसंग ने ऑफिशियली लॉन्च किया है सैमसंग स्टोर. गो एंड चेक आउट ऑल द न्यू थिंग्स इन डिसेंटरलैंड, जाइए देखिए. अब मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं, क्या लिखा हुआ है. यूबीसॉफ्ट एक बहुत बड़ी गेमिंग कंपनी है, वो भी गेम ब्लॉकचेन गेम बना रही है. सैंडबॉक्स एक गेम है जो अभी तक लाइव भी नहीं हुआ है, बट $93 मिलियन की सीरीज बी में पैसा उठाया हुआ है. एक्सी इन्फिनिटी एक गेम है जहां पे फिलीपींस में लॉकडाउन में लोग उस गेम को खेल खेल करके अपनी इनकम बनाए हैं. डिसेंटरलैंड मेटा, अच्छा फेसबुक ने भी अपना नाम मेटा कर लिया, तो बताने वाली बात नहीं, पुरानी हो गई है, क्या बताऊं. दिस कैसीनो इन डिसेंटरलैंड इज हायरिंग फॉर रियल. कैसीनो सच में लोगों को पैसे देके जॉब पे रख रहा है कि आप अपने घर पे बहनो, घर पे अपना हेडसेट लगाओ, बैठो और घर से ही लोगों को, जैसे असली कैसीनो में लोग खिलाते हैं ना, अपने घर पे बैठ के खिलाओ. व्हाट इज दिस हैपनिंग? Playboy, इन्होंने अपना मेटावर्स के अंदर, डिसेंटलैंड के अंदर स्टोर बना रखा है, वहां जाकर के उनके चीजें देख सकते हो. अटारी, बहुत बड़ी कंपनी, इतना बड़ा कैसीनो बना रखा है. मेटाजुकू शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट आप जाके ऑनलाइन कपड़े खरीद सकते हो. ये मैप है, ये जमीन है, दिख रहा है आपको, खरीद चुके ब्रांड इतने सारे. पॉलीगॉन एक अलग कॉइन है, मैटिक, वो भी बताऊंगा आपको. वॉकिंग डेड एक गेम इज एंटरिंग द मेटावर्स. वॉकिंग डेड नाम का गेम मेटावर्स के अंदर आ रहा है. तो क्या समझ में आएगा इसमें आपको, क्या दिखाया. सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग इन द वर्ल्ड एंड यू आर नॉट बिकमिंग पार्ट ऑफ इट जस्ट बिकॉज यू थिंक जीरो हो जाएगा. नहीं भाई, नहीं जीरो होगा. आई होप थोड़ा सा फंडामेंटल मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल क्या होते हैं इन चीजों के, आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आए होगा. ऑल राइट, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, मेरा पूरा इस दुनिया को बताने का था, एक नई चीज आने वाली दुनिया में, Web 3.0. क्या होता है Web 3.0? Web 1.0 होता था जब आप गूगल करते थे कोई चीज को और पढ़ के निकल लेते थे. आज फिर आया Web 2.0, पेज मल्टी डायनेमिक हो गए. आप कुछ एंटर मारे, कॉमेंट की, आपने कुछ अपलोड किया वीडियो, या आपने बात करी, या आपने स्टेटस डाला, किसी ने रिप्लाई किया, फिर वहां से फीडबैक मिला, टू वे कम्युनिकेशन. Web 2.0, Web 3.0 आ रहा है. कहां आ रहा है, कहां आ रहा है? ब्लॉकचेन के थ्रू आ रहा है, जहां पे एक ही लॉगिन रहेगा, मेटामास्क का, अगर आप इथेरियम ब्लॉकचेन यूज करते हो. मेटामास्क क्या होता है, बहुत डिटेल चीजें हैं बताने के लिए. ये वीडियो सिर्फ मैं मालूम है बहुत क्लैरिटी नहीं दे पाया एग्जैक्टली, बट मैंने एक जनरल व्यू दे दिया.
क्लैरिटी चाहते हो तो इंडिविजुअल वीडियोस बना दूंगा, आप कमेंट करके बता सकते हो कौन सी चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है आपका, लेकिन जनरल पॉइंट ऑफ व्यू मैं दे दिया, क्रिप्टो इज नॉट गेटिंग जीरो गाइस। और ये जो टाइम है, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, बस मैं लिखूंगा यहां पे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स क्रिप्टो। अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो आपको यहां पे तुरंत देखने मिलेगा क्या चल रहा है सिचुएशन। आज फियर एंड ग्रीड एक्सट्रीम फियर में है मार्केट, एक्सट्रीम फियर। मार्केट की सिचुएशन देख रहे हो आप लोग, आपको नहीं देख रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मार्केट ड्रॉप हो चुका है ऑलरेडी, इससे बढ़िया बाइंग टाइम हो नहीं सकता। मैं फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूं, जो करना है आपको अपने मन से करना है, बट मैं आपको फटाफट मैं मेरे अकाउंट पे ला रहा हूं, ये एक वेबसाइट है vault.com, ये सबसे बेहतरीन इंडिया में नंबर वन, मे बी इंडिया के बाहर भी जाएगा, नंबर वन वेबसाइट बोल सकता हूं जो आप यूज कर सकते हो। इसमें अपने फंड डाल सकते हो, फंड डाल के क्रिप्टो खरीद सकते हो, क्रिप्टो खरीदने के बाद आपकी क्रिप्टो पर आपको इंटरेस्ट अर्न होगा, आप इस पे इन पैसों का लोन भी ले सकते हो, आप उसके बाद इसमें ऑटोमेटिक इंस्टॉलमेंट प्लान भी कर सकते हो। आप ये वीडियो देख लेना, ये मैंने बनाया वॉल्ट के ऊपर, जहां पे वॉल्ट की पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और हाँ, बिटकॉइन के ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है, इथेरियम के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया है, ये सब भी देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर और इंटरेस्ट होगा क्रिप्टो के बारे में जानने का। तो गाइस ये रहा वॉल्ट। इसके पहले मैंने बहुत सारे ब्रांड्स चेक कर लिए, जैसे कॉइन DCX और ये और वो। आई एम टेलिंग यू दिस इज द बेस्ट टू इन्वेस्ट योर मनी, टू कीप योर मनी सेफ। एंड मैं आपको फटाफट ना आपको मैं मेरे वॉलेट पे ला रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ मैंने किस में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है। मैं दिखा दूँ आप लोगों को, मैंने सबसे ज्यादा इन्वेस्ट इथेरियम में किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं मेरा पोर्टफोलियो देखना, देख लो, सबसे ज्यादा इथेरियम में इन्वेस्ट कर रखा है मैंने, 4.6 इथेरियम है। और देखो मेरे 4-5 वॉलेट्स हैं अलग अलग जगहों पे, याद रखना। तो दिस इज नॉट माई ओवरऑल पोर्टफोलियो, बट दिस इज वन ऑफ माई मेजर पोर्टफोलियो आप कह सकते हो। इथेरियम मेरे पास 4.69 इथेरियम है, मैटिक है 3000 के ऊपर, माना 2000 के ऊपर, पोलकाडॉट 100 के ऊपर, एडा 2000 के ऊपर, सोलाना 20 के ऊपर। सो दीज आर दी, अच्छा और ये मेरे वॉलेट में से इतना ही, अच्छा ओके स्क्रॉल नहीं हो रहा था। तो नाउ देन आई हैव बिटकॉइन, आई हैव लिटिल, थोड़ा इसमें मैंने कम बिटकॉइन रख रखा है। रिपल आई हैव, BAT आई हैव, इंजन कॉइन आई हैव, बाइनेंस कॉइन आई हैव, स्टेलर आई हैव, और भी है बट वो मेजर नहीं है। बट ये मेरी मेजर पोर्टफोलियो है जो मैंने दिखाया वॉल्ट के अंदर। तो अगर आप चाहो तो अपना अकाउंट खोल सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, वहां पे क्लिक करके अपना अकाउंट खोल लेना। crypto@boomingbulls.com पे ईमेल कर देना अपनी ईमेल, अपनी जो आपकी वॉल्ट आईडी होती है, आपके लिए आपको काम आएगा बाद में। ठीक है गाइस, तो आई होप ये वीडियो मैंने बहुत ज्यादा वन शॉट में बनाया है, मतलब इसमें मैंने बिल्कुल भी बीच में ब्रेक्स वगैरह नहीं लिए, कट नहीं लिया। तो आई होप वो दिखा होगा आप लोगों को कि आई एम नॉट एक्चुअली ट्राइंग टू क्रिएट अ वीडियो, आई हैड अ मैसेज, आई वांटेड टू शेयर इट विथ यू, आई हैव शेयर्ड इट बिफोर, बट मैं उतने अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाया था, आई माई सेल्फ वॉज न्यू। बट अभी मैं सब्सटेंशियल टाइम बिता चुका हूँ और मैं बता रहा हूँ साइकिल्स होती हैं, जैसे स्टॉक्स गिरते हैं ये भी गिरते हैं, ये ज्यादा गिरते हैं स्टॉक्स के कंपैरिजन में, और ये बहुत ज्यादा बढ़ते हैं स्टॉक्स के कंपैरिजन में। तो या डेफिनेटली डोंट पुट ऑल योर मनी, बट पुट द मनी दैट यू कैन अफोर्ड टू लूज, दैट सिंपल एडवाइस। बट आई हैव लिटरली मेड माय पोर्टफोलियो अराउंड 60-40, 60 इन म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स इक्विटी, 40 इन क्रिप्टो। लोग 10-20 बोलते हैं, मैं तो 40 कर चुका हूँ, लगभग 50 भी कर दूंगा, मेरे को चलेगा रिस्क करना भी, क्योंकि रिवॉर्ड भी उतना बड़ा मिलेगा। If you like the video, I want you to share it with all of your friends who needs to get educated, who needs to know about this. I want your complete support so that you like the video, ताकि YouTube के algorithm से वीडियो बाहर तेज जाए। 15,000 likes आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बना के दूंगा। कमेंट में हर कोई बंदा जो लेट के वीडियो देख रहा है, बैठ के वीडियो देख रहा है, वीडियो खत्म हो गया, कमेंट करके बताएगा क्या लगा, व्हाट वर यू थिंकिंग बिफोर, व्हाट आर यू थिंकिंग नाउ, क्या मैंने कुछ काम का बोला, या आपको मेरी कौन सी बात पसंद नहीं आई, या क्या आपको अच्छा लगा। आई वॉन्ट योर फीडबैक गाइज, ओके। चलो गाइज, ओके, आई होप यू लाइक द एफर्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर बींग अ लवली ऑडियंस। वी हैव जस्ट क्रॉस 650K सब्सक्राइबर्स, सून बी रीचिंग 701 मिलियन, करते हैं ठीक है। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, सी यू सून इन सम अदर वीडियो, बाय बाय।